दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। आज ये न्यू गणेश नगर रोड जो है, जो तारागढ़ मार्ग पर स्थित है, और ये पूरी लंबी गली है। पिछली बार पानी की पाइपलाइन डालने की वजह से ये सड़क पूरी तरह से खुद गई है, और उसके निर्माण के लिए विधायक कोष से 12 लाख रुपए की राशि मैंने स्वीकृत की है। ये सीसी की रोड बनाई जाएगी, और सीसी की रोड बनने के बाद में, क्योंकि पहले पीने के पानी की कमी थी, तो लगभग इतनी ही लाख रुपए की लागत से हमने पानी की लाइन डलवाई, और अब इसको विधायक कोष से निर्माण कार्य सड़क का किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस निर्माण कार्य के पूरा होने से ये कॉलोनी एक आदर्श कॉलोनी हो जाएगी, क्योंकि पानी की समस्या का समाधान हो चुका है, अब सड़क की समस्या थी, उस सड़क की समस्या का भी समाधान हो जाएगा, तो अब कोई कार्य यहाँ पर शेष नहीं बचेगा। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता महेश जोशी जी इस के निवेदन पर, हमारी पार्षदा गायत्री सोनी जी के आग्रह पर मैंने ये कार्य कराया है, और निश्चित रूप से जब जब विधायक कोष देने की बारी आती है, तो जनता की डिमांड पर मैंने समय रहते विधायक कोष का उपयोग किया है, जिससे सारा का सारा कोष का एक भी पाई लैप्स नहीं जाता है, और पूरे विधायक कोष का उपयोग किया जाता है। अब तक कहाँ कहाँ सड़क निर्माण शिलान्यास हो चुका है, कितनी लाख रुपये की लागत? कोरोना के बाद में पहला शिलान्यास हमने वार्ड नंबर 31 में हनुमान नगर में शर्मा फ्रेश वाली गली का किया था, उसके लिए मैंने 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। वहाँ पर भी पानी की पाइपलाइन डालने के बाद सड़क खराब हो गई थी, उसके लिए पुनः मैंने निर्माण के लिए वो राशि जारी करी। उसके पश्चात हमने धोलावाटा वार्ड नंबर 37 में 18 लाख 50 हज़ार रुपये की राशि से सेंट जोसेफ स्कूल के पीछे की सड़क का निर्माण कार्य किया, उसका शिलान्यास किया। तत्पश्चात कल हमने गुलाबबाड़ी वार्ड नंबर 40 में एक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 12 लाख 75 हज़ार रुपये के आसपास है, और वो रोड जो है वो एक नया वैकल्पिक मार्ग होगा। वो रोड के ऊपर रोड नहीं बनाई जा रही है। तत्कालीन हमारे एडीए के अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा जी से मैंने आग्रह किया था, एडीए की ज़मीन में से सड़क निर्माण के लिए भूमि दी जाए, और उस नाते से उन्होंने जीएसएस के लिए जब आरएसीबी को एडीए की भूमि आवंटित की, उस समय उन्होंने उस सड़क निर्माण के लिए भूमि रिक्त छोड़ दी, और वो सड़क निर्माण के लिए आवंटित करी। उस सड़क निर्माण के लिए कल 12 लाख 75 हज़ार रुपये की राशि के कार्य का मैंने शिलान्यास किया है, और आज आपके सामने ये 12 लाख रुपये की राशि का पुनः निर्माण कार्य का शिलान्यास गणेश नगर रोड पर किया जा रहा है, जिससे लोगों को एक आदर्श कॉलोनी में रहने का गौरव महसूस होगा, और उनकी समस्या का समाधान भी होगा।